सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुबह जगुड़ी आ गई फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, हम सब भी ठीक हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत करूँगी सुबह के 10 बजे से। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि परसों आप रक्षाबंधन आने वाला है और मैं जा रही हूँ आज मायके। तो मेरा जो प्रोग्राम है वो अचानक से ही बना, बोला अचानक से क्या, कब से बुला रहे थे, लेकिन मेरी जो तो खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उन लोगों से भी यही बोल रही कि पता नहीं, देखती हूँ अभी, देखती हूँ अभी, लेकिन अब जाने का तय हो चुका है। मैंने ना पैकिंग भी कर ली है और राखियाँ भी खरीद ली है, लेकिन तब मैंने जो है तो ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी है किडनी में स्टोन और उसकी वजह से मुझे बार बार जो है तो यूरिन इन्फेक्शन होता रहता है, तो उस वजह से मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, उस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं कर पाई। तो आज मायके जा रही हूँ और उससे पहले यहाँ पे दीदी आ रही है इनको राखी बांधने के लिए, क्योंकि इनकी जो बहन है धर्म बहन, तो वो आ रही है। सबसे पहले वो इनको राखी बांधेगी, उसके बाद जाऊँगी मैं। तो आज ब्लॉग में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो बने रहें। तो आप लोग ना वीडियो में बने रहें और पहले मैं फटाफट खाना वाना बना लेती हूँ, तब तक दीदी भी आ जाएगी। और मैंने बैग पैक तो मैंने कर ही रखा है, खैर तो उसके बाद हमारी 2 बजे की ट्रेन भी है, तो निकलना है मैं 1 बजे तक। तो आप लोग जो है तो आज वीडियो में बने रहें और उन लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है, मेरे भैया भाभी भतीजे लोग, क्योंकि उनको भी मैंने अभी ये बोला था कि देखती हूँ आऊँगी नहीं आऊँगी, उनको भी अभी यही बता रखा है। तो हम लोगों ने ना दीदी के लिए थोड़ी बहुत सामान भी खरीद रखा है, दिखाती हूँ आपको। ये है उनके बच्चों के लिए गिफ्ट पैक और ये एक सूट मिठाई, तो थोड़ी बहुत सामान भी खरीद रखा है, बाकी लिफाफा तो अपने हिसाब से देंगे। और मेरा बैग भी पैक हो चुका है, उसमें मैंने पूरा सामान रख लिया, बच्चों का, अपना और इनके पापा का। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सब खाना वाना बनाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया और दीदी जी भी पहुँच चुकी हैं राखी बांधने के लिए। एक बार दीदी से मिलवाती हूँ। हमारी दीदी जी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं राखी बांधने के लिए और ये ना 2 दिन पहले ही राखी बांध है। अभी रक्षाबंधन 31 को है, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या बोलो, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन पहले ही बांध रहे हैं क्योंकि मेरी भाभी जा रही है ना। हाँ, मेरी भाभी जा रही है इसलिए 2 दिन पहले राखी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, भाभी को सपोर्ट करने आए हैं। हाँ, नहीं तो फिर भैया जाते नहीं। हाँ, अब दीदी हमें राखी बांधेगी। रक्षाबंधन हो चुका है इनकी, मतलब भले ही सगी बहन नहीं है लेकिन दीदी इनको हर साल राखी बांधती है, हर साल भाई दूज पे बुलाती है। तो वो पंजाबी लोग हैं, हम गढ़वाली हैं और पंजाबी और गढ़वाली का बहुत अच्छा मेल है, मतलब बहुत पुराने रिश्ते हमारे बहुत ही अच्छे हैं। तो अब दीदी तो गई घर और मैं बना रही हूँ अब खाना, क्योंकि हमें भी 1 बजे निकलना है, 12 बज चुके हैं। तब जल्दी से खाना बनाती हूँ, आधा खाना मेरा बन चुका है, आधा रह गया उसको भी बना लेती हूँ, उसके बाद तैयार भी होना है।
तो जल्दी से निपटा लेती हूँ ये थोड़ी बहुत काम। मैंने दाल को छौंका भी लगा दिया, तब रोटी बनानी रह गई। खाना वाना बनाते हैं उसके बाद से तो तैयार होती हूँ। तो मेरा खाना बन चुका है, सभी लोग खाना खाने बैठ चुके हैं। तो सभी लोग जो तो आज जल्दी से खाना खाने बैठ गए हैं। तो दोस्तों हमारा खाना वाना निपट चुका है, बाकी अब होती मैं झट से तैयार। टाइम भी 1 बजने वाले हैं, 2 बजे की मेरी ट्रेन है, तो अब तैयार होती। तो मैं ना ये वाला सूट पहन के जाऊंगी, तब तैयार होती। मैं यहाँ पे तैयार होना शुरू कर रही हूँ और प्रिया ना दादी और चाचू को राखी बांध के जाएगी, क्योंकि वो भी हर साल चाचू को राखी बांधती है, तो वो अपना काम निपटा के जाएगी। और यहाँ पे प्रिया की पूजा की थाली तैयार और प्रिया भी तैयार। प्रिया देखना एक मिनट कैसे लग रही है, मस्त। अब वो दादी और चाचू को राखी बांधेगी, बाकी प्रिंस भी तैयार हो चुका है। मैं ही रह गई तैयार होने को, तो मैं भी झट से तैयार हो जाती हूँ। तैयार हो चुकी हूँ फाइनली मायके जाने के लिए। वैसी लग रही हूँ आज, मायके की खुशी अलग है, चेहरे पे अलग ही खुशी दिख रही है, होगी आप लोगों को, है ना। तो अब हम लोग जाने लग गए हैं, हमारी रिक्शा आ गई। अब पीरे की दादी को ना पीरे की भूख लग रही है, खुद लग रही है पीरे की खुद की दादी को रोना आ गया। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं और आज देखिए जरा मस्त लग रहा है। आज ससुराल जा रहे हैं, ससुराल अभी चले अपने ससुराल अपने मायके। आप फिर कहाँ जा रही ना, मायके घर ससुराल जाने का मदद तब था ना जब गाँव जाते, हम तो पंजाब जा रहे हैं। लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और अब यहाँ पे पता करते हैं कि हमारी ट्रेन जो है तो कौन से नंबर पे लगी होगी। वैसे इनको तो पता होगा कि कौन से नंबर पे। तीनों पापा बेटे चल रहे हैं आगे आगे, एक बैग दोनों ने पकड़ रखा, प्रिंस ने और प्रिंस के पापा ने। बाकी ये रहा हरिद्वार का रेलवे स्टेशन और हमारे देश का तिरंगा भी यहाँ पर लहरा रहा है, लोग देख सकते हैं। हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और प्रिंस के पापा गए अंदर पूछताछ में कि हमारे ट्रेन कौन से नंबर पे लगी। प्रिंस के चश्मे खुश हो रखा आज, कहाँ जाने के लिए, मामा के घर जाने को इतना खुश होते हैं ना बच्चे, बहुत ज़्यादा है। प्रिया कहाँ जा रही है, इतने खुश होते हैं ना बच्चे बहुत ज़्यादा मामा के घर जाने का। हम भी होते थे बचपन में जब छोटे थे, मम्मी के साथ मम्मी के मायके जाने की खुशी अलग होती है, ये तो खुशी अलग है कुछ। मैं ये वाली सीढ़ी बंद हो रखी थी लेकिन जैसे ही हम आए तो ये भी चलनी शुरू हो गई है। फिर ये जो रुक चुके हो, डर लग रहा है पीछे ना गिर जाऊँगी, कहीं नहीं गिरेगी, पकड़ के रख, मेरे को डर लग रहा है। अरे पापा प्रिंस ना चल के गए, वो कहते कि नहीं चलेगी ये वाली सीढ़ी आराम से, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है इधर। ये देखिए ये दोनों लोग चल के आए, आप लोग चल के आए और हम उड़ के आए। चलिए जी रेलवे स्टेशन के अंदर भी आ चुके हैं और हमारी ट्रेन कौन से नंबर पे आएगी, 5 नंबर पे। चलो 5 नंबर पे चलते हैं।